वेलकम टू माय चैनल और ये पिंक वाले पैकेट देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज होने वाला है मीशो हॉल तो गाइस आज के हॉल को लेकर ना मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा मीशो का क्लोथिंग में ये पहला हॉल इससे पहले मैंने एक मीशो का फुटवेयर हॉल किया था और वो वाला हॉल करते वक्त मुझे बहुत मजा आया था और आज भी मुझे बहुत मजा आने वाला है आई होप आपको भी मज़ा आएगा तो आज के हॉल में मैंने इंडियन और वेस्टर्न आई I मीन mean, कुर्ती प्लाजो और ड्रेसेस दोनों को ही इंक्लूड किया हुआ है बहुत लंबा हॉल नहीं होगा मैं फटाफट से ट्राई ऑन करके आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ और पैकेट्स ऑलरेडी खुले हुए हैं क्योंकि भी मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है कि मैं वीडियो बनाने तक रुके रहूं मैं तो जैसे ही पैकेट आता है फटाफट से उसको पहन के देख लेती फिर वापस डाल दिया वीडियो बनाने के लिए <laughs> तो चलो देख लेते हैं मीशो ने क्या क्या भेजा हुआ है कैसी कैसी क्वालिटी में भेजा हुआ है बिना ज्यादा टाइम लिए मैं फटाफट से आपको सारे प्रोडक्ट्स के सारे ड्रेसेस के रिव्यूज बताने वाली हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट ड्रेस जो आज की फर्स्ट ड्रेस है वो है ये ब्लू कलर की लॉन्ग लेंथ ड्रेस और ये वाली जो है एक बटन ड्रेस है पूरे बीच में स्लिट दिया हुआ है और पूरे पे बटन लगे हुए हैं लेबल पे लिखा हुआ है आई थिंक ये इन्होंने की कॉपी बनाई हुई है तो ये वाली जो ड्रेस है ये वाली सिंथेटिक मटेरियल में है और पहन के देखते हैं ऐसे ज्यादा से आइडिया नहीं आएगा लिटरली मीशो ने ना पहली ड्रेस में मेरा दिल जीत लिया है इतनी प्रिटी ड्रेस मुझे लग रही है ना मतलब इतनी बढ़िया इसकी फिटिंग आई है एस साइज लिया हुआ है मैंने ये और मुझे स्लीव से कमर से हर जगह से इतने अच्छे से ये ड्रेस आई है यहाँ पे एक इलास्टिक दे रखी है जिसकी वजह से ये फिटिंग आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ले लेगी बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है अगर आपको जरूरत है तो आप हल्के फुल्के ऑल्ट्रेशन भी करा सकते हैं फ्रेंड्स इस ड्रेस के साथ जो है इस तरीके की एक बेल्ट भी दे रखी है मैं शुरू में ड्रेस के साथ दिखाना भूल गई थी तो बेल्ट लगाने के बाद ये ड्रेस जो है और ज्यादा स्मार्ट लुक दे रही है लग नहीं रही है कि इतनी सस्ते वाली ड्रेस है बहुत ही अच्छी एक अच्छी क्लासी लुक दे रही है ये ड्रेस तो फ्रेंड्स ओवरऑल मिला के ड्रेस मुझे अच्छी लगी इसको मैं दूंगी नाइन आउट ऑफ टेन प्राइस मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ okay. तो नेक्स्ट ड्रेस मैंने मंगाई है ये ऑरेंज कलर की ड्रेस और इस ड्रेस को ना मैंने सिर्फ इसके कलर की वजह से मंगाया है मेरे पास ऑरेंज कलर में कुछ भी नहीं है ना कोई सूट ना कोई ड्रेस ना कोई टॉप तो इसका फैब्रिक कॉटन फैब्रिक है कम्प्लीटली कॉटन फैब्रिक है इसको ट्राई करके देखते हैं तब ज्यादा अच्छे से पता चलेगा तो फिटिंग के लिए दो डोरिया दे रखी है तो इनसे हम चाहे तो अच्छी खासी फिटिंग बन जाएगी फ्रॉक जैसी ये डोरिया है और ये ड्रेस भी जो है कम्प्लीटली मुझे फ्रॉक जैसी लग रही है जैसे बचपन में फ्रॉक पहनते थे बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये लग रही है में मैंने एम साइज लिया है आई डोंट नो मैंने इसमें एम क्या सोच के मंगा लिया और वैसे भी मीशो के जो साइजेस होते हैं वो जो मैंशन कर रखे हो, तो होते हैं उससे बिल्कुल ही अलग होते हैं आधी से ज़्यादा ड्रेसेस पर तो टैग भी नहीं होते हैं साइज भी मैंशन नहीं होता है सबका सेम ही साइज उन्होंने साइड पर लगा रखा होता है तो बस एक तुक्के वाली बात है कि आपको कोई ड्रेस फिट आ जाएगी और कोई नहीं आएगी और मुझे ये वाली ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आई पहले वाली से भी ज़्यादा मुझे ये वाली ड्रेस पसंद आई है और इसमें दो तीन कलर ऑप्शन और भी है आई थिंक एक पिंक है एक पीच है तो इसको भी मैं दूंगी नाइन आउट ऑफ टेन मार्क्स और अब मैं जल्दी से आपको अपनी तीसरी ड्रेस दिखाती फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ड्रेस है वो है ये पर्पल कलर की ड्रेस और ये वाली जो है आई थिंक ये शिफॉन जॉर्जेट पता नहीं कौन सा कपड़ा है शिफॉन जॉर्जेट में से ही है कुछ पर कुछ इस तरीके का जो कॉटन नहीं है थोड़ी सी गर्मी लगने वाला कपड़ा है इसमें यहाँ पे इस तरीके की इलास्टिक दे रखी है अभी इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आएगी नहीं और ये वाली लिटरली मैंने ट्राई भी नहीं करके देखी यही सोच के कि बहुत टाइट है चलो अभी मैं इसको ट्राई ऑन करके देखते हूं। इस साइज भी मेंशन नहीं है मैंने तो शायद एस ही मंगाई हुई है क्योंकि मैं सारे कपड़े एस में ही मंगाती हूँ ट्राई करके देखते हैं कि कितनी टाइट कितनी लूज आती है तभी ज्यादा अच्छे से पता चलेगा एज आई टोल्ड यू कि ये वाली ड्रेस जो है मुझे बहुत टाइट होने वाली है और वैसा ही हुआ टाइट होने की वजह से मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है इसमें पूरे में इलास्टिक लगी हुई है तो यहां से बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है समर में इसको नहीं पहन सकते बिल्कुल भी तो नेक्स्ट चीज मुझे इसकी लगी है वो है अगर आप थोड़ा सा भी आपका टमी होगा तो वो इस तरीके से बल्ज आउट होके बाहर आएगा अगर आप पहन भी लोगे जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत नॉर्मल वेदर में तो इस तरीके से आपका बल्ज आउट होके बाहर आएगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसके लिए आपको पेट बिल्कुल ऐसे अंदर होना चाहिए तभी जाके ड्रेस अच्छी दिखेगी तो ये वाली ड्रेस तो मैं मुझे नहीं कुछ खास पसंद आई मैंने कलर की वजह से ही मंगा ली थी एज आई टोल्ड यू मैं कलर देख के ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ तो इसको तो मैं कोई रैंकिंग नहीं दे रही हूँ और मैं फटाफट से आपको बस नेक्स्ट ड्रेस दिखा देती हूँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है ये ग्रीन कलर की ड्रेस और ये भी मैंने एक दो बार एक्सचेंज करने के बाद ही फाइनल की है आई डोंट नो आपकी बार कैसी आई होगी पहले वाली को तो मैंने ट्राई किया था इसको मैंने ट्राई नहीं करके देखा पहले वाली फटी हुई आई थी यहाँ से साथ ही उसका साइज़ भी मैंने मुझे ज़्यादा छोटा लग रहा था और इन्होंने जब मुझे दूसरा भेजा है उस उसपे भी कहीं पे भी साइज वगैरह कुछ मेंशन नहीं है पहले एस आया था तब भी इतना ही था एम आया है तब भी इतना ही है ये मैंने एस में ट्राई करी थी एम में अभी ट्राई नहीं करी है आपके सामने ट्राई करके दिखाती हूँ तब पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है इसमें और कैसी ये देखने में लग रही है अब जैसा मैंने सोचा था जो सोच के मैंने इस ड्रेस को मंगाया था ये उस सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह फुलफिल कर रही है ये वाली ड्रेस जो है इतनी डिसेंट इतनी प्रिटी लग रही है ना एकदम सिंपल सा इसका कलर है लाइट ग्रीन और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ इतनी प्यारी सी इसके साथ फ्रिल्स दे रखी है और मुझे ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आई है इसको मैं टेन ऑन टेन देने वाली हूँ और जो पिछली ड्रेस को देख के मेरा मूड खराब हो गया था वो थोड़ा ठीक भी हो गया है और लेंथ वाइज फैब्रिक वाइज सब कुछ बहुत अच्छा है क्या बोलो अब इस ड्रेस के बारे में आप देख ही लो साइड में आपको खुद ही देख के ही अंदाजा हो जाएगा एंड दैट्स ऑल मूव टू आवर नेक्स्ट ड्रेस नेक्स्ट so है ये येलो कलर का कुर्ती प्लाजो सेट और इसके साथ दुपट्टा भी है एक्चुअली मैंने चार ही ड्रेस मंगाई थी अब सारे मैं आपको कुर्ती प्लाजो दिखाने वाली हूँ तो इसके साथ ये दुपट्टा भी है ये है कुर्ता और ये है इसकी बॉटम ये आई थिंक पैंट है चलिए फटाफट से मैं इसको ट्राई कर लेती हूँ उसके बाद आगे आपको लुक दिखाती हूँ और इसको देख के ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या ही डिस्क्रिप्शन दू इतना प्रिटी ये सूट लग रहा है ना मतलब पूरा पिंक येलो कलर्स इसके उभर के आ रहे हैं चमक रहे हैं और इसका कपड़ा जो है वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है मतलब लाइनिंग की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है कॉटन का कपड़ा है तो ये वाला सूट जो है मैं डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगी आप इसको कैजुअल में पहनो आप इसको फेस्टिव में पहनो ये वाला सूट तो मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद आ गया है बस मैं इसकी और ज्यादा तारीफ नहीं कर रही हूँ ये वाला टेन ऑन टेन है तो गाइस इस येलो सूट सूट के बाद जो नेक्स्ट है वो है ये सिल्क का सूट मुझे ना कलर का नाम नहीं याद आ रहा क्या नाम है अगर आपको याद हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मेरे दिमाग से इसका नाम निकल गया है तो जो ये नेक्स्ट सूट है तो इसका जो शर्ट और बॉटम है ये दोनों सिल्क में है आई थिंक इसके साथ इस तरीके की कॉटन की लाइनिंग है तो गर्मी भी नहीं लगेगी और पसीना वगैरह एब्जॉर्ब करने के लिए भी काफी ठीक रहेगा ये वाला सूट और हल्की सी शाइन है इस कपड़े में साथ ही इसका जो दुपट्टा है वो फ्लोरल और दुपट्टा है ओवरऑल मिला के कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है देख के बहुत सुंदर लग रहा है चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं डाउट सूट इज वेरी प्रिटी इसका दुपट्टा भी बहुत ही प्रिटी है लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है तो इसका जो बॉटम है इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा टाइट है और ये वाला जो है बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है यहाँ से जो सूट है इसकी फिटिंग भी बहुत ज्यादा टाइट है कमर से मुझे टाइट है आई थिंक मुझे एक नंबर बड़ा मंगाना चाहिए था तब ये मुझे प्रॉपर आता नेक्स्ट जो ऑर्गेन्जा का दुपट्टे के साथ प्रॉब्लम होती है नॉट पर्टिकुलरली विद दिस सूट विद एवरी ऑर्गेन्जा दुपट्टा और ऑर्गेन्जा और सूट बहुत ज्यादा स्लिपरी है इसको देखो मैंने यहाँ पे अभी सेफ्टी पिन के साथ टक किया हुआ है बिना पिन आप इसको कैसे भी कैरी नहीं कर सकते हो आप ओवरऑल मिला के ये सूट मुझे बहुत ही प्रटी लगा बहुत ही एलिगेंट और डिसेंट से इसकी लुक है मुझे फिटिंग का थोड़ा इश्यू हो गया अदरवाइज सूट इज वेरी प्रिटी कलर वाइज भी फैब्रिक वाइज भी ओवरऑल दिस इज अ वेरी नाइस सूट इफ़ यू वांट टू परचेज इट तो प्राइस और लुक का आइडिया आपको साइड से देख के हो गया होगा तो फटाफट से आज की लास्ट ड्रेस देख लेते हैं तो so, फ्रेंड्स ये है आज का लास्ट कुर्ती प्लाजो सेट और इसके साथ दुपट्टा नहीं है व्हाइट कलर का ये कुर्ती है और इसके साथ ये पैरट ग्रीन कलर का बॉटम है इसका कलर भी आप देखो कितना चटक वाला ग्रीन है इस तरह के कलर्स ना मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो मैं मोस्टली इसी तरीके के ब्राइट कलर्स प्रेफर करती हूँ तो चलिए फटाफट से इसको ट्राई करके देख लेते हैं ये वाला जो सेट है ना ये मुझे एकदम परफेक्ट आया है कहीं से फिटिंग में कोई इश्यू नहीं है ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज और फैब्रिक भी इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है बॉटम का फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है ये और एकदम पहनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है समर के अकॉर्डिंग बिल्कुल टेन ऑन टेन है तो कैजुअल और फॉर्मल दोनों ही तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है एंड दिट्स ऑल ये वाला फाइनल था मैं सभी ड्रेसेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आज आप, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियोज़ मिलती रहेंगी टिल देन बाय बाय